हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेश, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो जैसे आपने पीछे व्लॉग में देखा, हम लोग हैं अभी साड़ंगपुर में और मैंने आपको बोला था यहां पे बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है, दोनों बताऊंगा। तो शुरू करते आज का व्लॉग। ए हेलो और कष्ट भजन देव की जय। तो हम लोग ने जैसे लास्ट टाइम वीडियो में मैंने दिखाया था, हम लोग रुके थे यहाँ पे, ये है श्री स्वामीनारायण अतिथि भवन। हम लोग इस बार भी इसी में रुके हुए हैं, उसके बगल में है ये श्री कष्ट भजन अतिथि भवन। अभी नई चीज़ इसमें क्या है जो लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे दिखाया था, अंजनी अतिथि भवन जो बहुत पुराना था और कॉस्टिंग वाइज बहुत कम था उसका कॉस्ट, वो तोड़ दिया गया है। उसकी जगह पे देखिए कुछ कॉरिडोर जैसा बन रहा है यहाँ पे। और ये है हनुमान जी की मूर्ति, बहुत बड़ी है, ह्यूज है, कम से कम मेरे हिसाब से ये 5 या 6 माले की मूर्ति रहेगी इन टोटल। थोड़ा नज़दीक से जाके दिखा दे, अभी तक पूरी रेडी नहीं हुई है तो इसके आगे जाना हमको अलाउड नहीं है, मगर यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कि जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। रुके, ये देखिए देखिए बहुत बड़ी मूर्ति है। तो ये जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं काशी विश्वनाथ और उसके सब में जो कॉरिडोर बना है, वैसा ही कुछ चीज़ यहाँ पे भी बन रही है। ये यहाँ पे थी कहीं पे अंजनी अतिथि भवन, ये पूरा तोड़ के उन्होंने कॉरिडोर बना दिया है, साथ में भगवान की मूर्ति है यहाँ पे भी सेम है। तो जब ये एक बार बन जाएगी तब बहुत सुंदर लगेगा ये। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था यहाँ पे बहुत सारे लॉन्स है, अभी वो लॉन की साइज़ एक्चुअली में बहुत बढ़ गई है। जैसे मैंने आपको बताया एक धर्मशाला थी जो पूरी इन लोग ने निकाल दी है, उसकी जगह पे एक लॉन बन गया है, प्लस यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी है साथ में। तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ओपन लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी ये जो मेरे पीछे देख रहे हो धर्मशाला का भी एक डेबिट पॉइंट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जो हम लोग के साथ में ऑलरेडी हुआ है। मीनवाइल अगर आपके साथ में कोई ऐसा बंदा है जो एजेड है, जो फिज़िकली इतना फिट नहीं है, जो चल नहीं सकता, तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्हीलचेयर्स मिलती है आपको, अवेलेबल है विदाउट एनी कॉस्टिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे रहेंगे, आपके साथ में कोई है जो चल नहीं पाता है, जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हीलचेयर मिल जाएगी, 200 रुपीज़ कुछ डिपॉजिट चार्जेस है, 2 घंटा आपको व्हीलचेयर मिलती है। अगर आप स्टे कर रहे रहेंगे तो आपको पूरे दिन के लिए मिलेगी, वरना आपको 2 घंटे के लिए मिलेगी। आपके सामने ये स्वामीनारायण अतिथि भवन, उसके जस्ट बगल में ही है ये जगह पे जहाँ से आप व्हीलचेयर ले सकते हो। लॉकर फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है यहाँ पे, देखिए इनके पास लॉकर भी, अगर आप रूम नहीं लेना चाहते यहाँ पे कुछ घंटों के लिए आ रहे हो तो लॉकर फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो उनके साथ में। अगर आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो और व्हीलचेयर ले रहे हो तो एक चीज़ याद रखिएगा, इनको व्हीलचेयर आपको सुबह 8 o'clock तक रिटर्न करनी रहती है। ओवरनाइट अगर व्हीलचेयर आपके पास में रखते हो 200 रुपये तभी भी डिपॉजिट लेते हैं, मगर आपको रूम नंबर देना मैंडेटरी है। अगर आप रहेंगे तो आपको रूम नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको व्हीलचेयर लेके जाने देंगे रूम के ऊपर, अदरवाइज़ 2 घंटे के लिए व्हीलचेयर देंगे, जैसे आप वापस करेंगे आपको 200 रुपीज़ का डिपॉजिट रिटर्न कर देंगे। अभी इस बार हम लोग का जो पंगा हुआ है यहाँ पे, एक्चुअली इनका नया सिस्टम आया, ये लोग एक ही दिन के लिए रूम आपको देते हैं। अभी मैं सोच के आया था हम लोग यहाँ पे आएंगे 2 दिन रुकेंगे, जैसा आपको पता है हम लोग आए थे शाम को 8 बजे, तो मेरे पास ज़्यादा कुछ टाइम था नहीं, मैं आके सिर्फ दर्शन किया हार्डली 5 मिनट के लिए। हमने सोचा था आज थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा, पापा को दर्शन हो जाएंगे, मेरे भी दर्शन हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पे अभी इनका चेकआउट टाइम था मॉर्निंग 10 o'clock का, तो हमको रूम खाली करना पड़ा। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ऐसा हम लोग मुंबई से आ रहे हैं, 12 आवर्स की जर्नी हो गई है, प्लस मेरे साथ में एक फ़िज़िकली फिट आदमी नहीं है, तो अगर आप कंसिडर कर सकेंगे तो वो लोग मना कर रहे हैं। ऑल दो उनके पास रूम्स अवेलेबल है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, उनका बोलना है रूम्स अवेलेबल नहीं है, मगर मेरे हिसाब से उनके पास काफ़ी रूम्स अवेलेबल है, तो उन्होंने हमको रूम्स नहीं दिए। उनका बोलना था बाहर जाइए, आप बाहर गेस्ट हाउस है, होटल से आप उसमें रहिए। अभी होटल के नाम पे मैंने जैसे लास्ट टाइम आपको बोला था यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो होटल तो है नहीं, गेस्ट हाउस है, मैं गेस्ट हाउस देख के आया था, मगर गेस्ट हाउस की कंडीशन ठीक नहीं है। और जिसको पूछो, जिसका यहाँ पे कमीशन रहेगा, पहचान रहेगा ना, वो गेस्ट हाउस में आपको भेज देता है। मैं एक बार जाके आया गेस्ट हाउस के अंदर भी, मुझे इतना मज़ा नहीं आया गेस्ट हाउस में, तो अभी अपना प्लान चेंज किया है। अभी हो रहा है टाइम मॉर्निंग 11 o'clock, अभी 11:15 को दर्शन खुलेंगे, वो दर्शन करेंगे, पापा को भी दर्शन कराएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे डायरेक्ट सोमनाथ के लिए। यहाँ से सोमनाथ अप्रॉक्सीमेट 240 किलोमीटर कुछ बता रहा है, तो 5-5.5 घंटे का जर्नी होना चाहिए। अभी वहाँ पर भी मैंने इंक्वायरी कर ली है, वहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं है, वहाँ पर होटल्स वगैरह भी है, धर्मशाला भी है, मगर धर्मशाला में ऐसा नहीं है कि आपको बस एक दिन के अंदर ही धर्मशाला मिलेगी, आपको जितने दिन चाहिए आपको मिल जाएगी,
तो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रहेंगे, अभी जस्ट वेट कर रहे हैं। दर्शन अभी बंद है, ये देखिए दरवाज़ा बंद है अभी मंदिर का, 11:15 को दरवाज़ा खुलेगा। अभी कुछ भोग लगा रहे तो भोग हो जाएगा, उसके बाद दरवाज़ा खुलेंगे, फिर जाएंगे दर्शन करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। तब तक बने रहेगा मेरे साथ वीडियो में। बोलो श्री कष्ट भजन देव की जय। देखिए ये भी एक नई चीज़ है, यहाँ पे लास्ट टाइम भोजनालय हुआ करता था, जो भी यहाँ से तोड़ दिया गया है, जो टेम्पररी सेटअप मैं आपको दिखाता हूँ भोजनालय का कहाँ है। एज इफ नाउ यहाँ पे एक माले की बिल्डिंग बनी है, और ये है जो आपका सुवीनियर्स का शॉप रहता है, ये जो आपको दिख रहा है ये भी टेम्पररी सेटअप है। मेरा बात हुआ, ये अभी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और भोजनालय जाएगा यहाँ पे पीछे जो नया बिल्डिंग बन रहा है उसके अंदर। आगे देखिए सुवीनियर्स है, अगर आपको कुछ घर के लिए फोटोज वगैरह लेने रहेंगे, किचन्स वगैरह लेने रहेंगे, तो आप यहाँ अंदर से ले सकते हैं। आइए एक बार अंदर जाके भी देखते हैं क्या क्या है। ये देखिए अभी ये टेम्पररी उन्होंने सेटअप किया है भोजनालय का, कहीं यहाँ पे पीछे है, कल हम रात को गए थे। और ये है अभी जो नया भोजनालय बन रहा है, बहुत ह्यूज है, मेरे हिसाब से 1 या 2 माले का बिल्डिंग है पूरा भोजनालय का। और इसके पीछे की तरफ एक नया धर्मशाला बन रहा है, ये देखिए यहाँ से थोड़ा बहुत आपको दिख रहा रहेगा, ये है 1200 रूम्स की धर्मशाला है, तो बहुत बड़ी धर्मशाला बन रही है, 11 माले की धर्मशाला है ये। तो जिस दिन ये रेडी हो जाएगी उस दिन बॉस ज़ोरदार सेटअप हो जाएगा यहाँ पे। एज इफ नाउ वहाँ पे जो धर्मशाला थी उसमें से एक धर्मशाला तोड़ दी गई, जैसे मैंने आपको दिखाया ऑलरेडी, अभी सिर्फ 2 धर्मशाला है जो अभी वर्किंग कंडीशन में है यहाँ पे। एक है आपका स्वामीनारायण अतिथि भवन, दूसरी है आपकी कष्ट भजन अतिथि भवन। तो साड़ंगपुर की अपनी ट्रिप हो गई ख़त्म, जस्ट हम लोग यहाँ से निकल रहे अभी सोमनाथ के लिए। एक्चुअली हम लोग का इच्छा तो कुछ और था, हम लोग 2 दिन यहाँ पे रहना चाहते थे, क्योंकि हम लोग आए कल रात को 8 बजे थे, मगर अब यहाँ पे मैनेजमेंट का बोलना है आपको रूम्स 1 ही दिन के लिए दिया जाता है, तो अभी उनके आगे तो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। हम लोग ने रिक्वेस्ट काफ़ी की, मगर उनका बोलना था हम लोग यहाँ पे नहीं देते 1 दिन से ज़्यादा रूम, तो ठीक है जैसे दादा की इच्छा। दर्शन अपने हो गए सुबह में, मे भी यहाँ पे जो पीछे आपको मैंने बोला था वो धर्मशाला उन्होंने तोड़ दिए, उसकी वजह से शायद ये लोग ने ऐसा कुछ रूल्स बनाया है कि 1 ही दिन के लिए आपको धर्मशाला देंगे। तो आप भी अगर साड़ंगपुर आएंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, 1 ही नाइट के लिए आपको रूम मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको रूम नहीं देंगे यहाँ पे, तो आप 2 दिन का प्लान करके मत आइएगा। बाकी अभी टाइम हो रहा है 12:30, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, अप्रॉक्सीमेट 249 किलोमीटर कुछ सोमनाथ है यहाँ से, तो 5-5.5 घंटे बता रहे हैं, जाते हैं फटाफट ट्रेन गाड़ी स्टार्ट करते और फिर निकलते यहाँ से। बोलो श्री कष्ट भजन देव की जय। तो दोस्तों जस्ट निकल रहे थे यहाँ से, अभी मुझे थोड़े बहुत मेरे फ्रेंड्स तो नहीं बोल सकते, अभी मेरे नए नए सब्सक्राइबर जो हम लोग चलते चलते बनाते रहते, ये देखो इतने सारे लोग हैं जो अभी जस्ट सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये भाई की भी चैनल है राइडिंग की, क्या नाम है सर आपका चैनल? राइडर करण, द राइडर करण। अगर मेरे सब्सक्राइबर्स है प्लीज़ इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू भाई, चलो थैंक यू, बाय बाय। देखिए यहाँ से अपना डिस्टेंस बता रहा है 270 किलोमीटर्स, 5 घंटा 27 मिनट लगनी चाहिए, शाम को 6:15 बता रहे हैं पहुँचने का टाइम। अभी किधर लंच करने रुकेंगे, वॉशरूम ब्रेक के लिए रुकेंगे, तो वो 1-1.5 घंटा और एक्सटेंड होगा, वही कल का टाइम हो जाएगा, 7:15 तक पहुँचेंगे हम लोग अभी सोमनाथ भी। जर्नी वैसे अच्छी थी, कल कोई थकान नहीं लगी, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक ही थोड़ा मगजमारी जैसा लगा, जो हम लोग को यहाँ रहने की मगजमारी हो गई 1 दिन की। अभी मुझे पहले से पता नहीं था तो मैं प्रिपेयर्ड नहीं था उसके लिए, हम लोग 2 दिन का सोच के आए थे मगर 1 ही दिन हुआ। चले ठीक है जैसी प्रभु की इच्छा, अभी जा रहे सोमनाथ, निकल गए रास्ते में, थोड़ा मम्मी पापा से भी जानते हैं उनकी ट्रिप कैसी रही, उनको कितना मज़ा आया यहाँ पे आके दादा के दर्शन करके। आइए मम्मी से बात करते पहले, मम्मी कैसा रहा ट्रिप आपका? बहुत अच्छा, वो हनुमान लाला का दर्शन बहुत अच्छा हुआ। पापा से भी जानते हैं, पापा सुकून से एकदम दर्शन अच्छा था, फैसिलिटी दर्शन की अच्छी है, खाली रहने की थोड़ी दिक्कत हो गई, कम से कम 2 दिन मिल जाता था तो अच्छा पड़ता था।
वैसे सब ठीक है, ओवरऑल एवरीथिंग इज ओके। देखिए जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है शायद उनकी एक धर्मशाला उन्होंने अभी तोड़ी है, नहीं बना रहे, उसमें 1100 रूम बना रहे जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, तो मे भी उसकी वजह से शायद ये लोग ने मैंडेटरी किया है सबके लिए कि एक ही दिन का आपको स्टे मिलेगा। चलिए उनका नियम है, उनकी मर्जी है, उसमें तो किसी का कोई चलेगा नहीं। अभी जर्नी करते कंटिन्यू। तो अभी टाइम हो रहा है 1:40, अभी रुके लंच करने के लिए। बोटाद सिटी में से हम लोग आए, मगर सिटी में मुझे कैसे कोई रेस्टोरेंट दिखा नहीं, बेसिकली मुझे रास्ते पता नहीं है। अभी हाईवे पे है, कहाँ पे है पता नहीं। ये कोई मेरे पीछे देखिए उत्तम गार्डन रेस्टोरेंट करके है, वहाँ पे रुके। अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या क्या आइटम है इनके पास। कुछ खाने के लिए मंगाते, भूख बहुत ज़ोरों की लगी है। सुबह में थोड़ा सा नाश्ता किया है, फाफड़ा खाया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो अभी बहुत भूख लगी है, अंदर जाते हैं फटाफट, अपने लिए लंच मंगाते हैं, फिर जर्नी कंटिन्यू करते हैं अपनी। तो दोस्तों पप्पा एंजॉय कर रहे हैं उनकी ये गुजराती थाली, और हम लोग ने अपने लिए मंगाया है सेव टमाटर की सब्ज़ी और फुलका रोटी। अभी तो लाइट ही खा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी वापस ट्रैवलिंग करना है, तो लाइट खाना इज बेटर है। तो लंच अपना हो गया, फूड ठीक था, ख़राब भी नहीं था और इतना अच्छा भी नहीं था। तो अभी जाते हैं फटाफट, अभी टाइम हो गया है 2:15 हो गए, लेट हो गया, फटाफट निकलते अभी यहाँ से और जाते सीधा सोमनाथ। अभी अभी हम लोग है जसदन अहमदाबाद हाईवे के ऊपर। अभी यही हाईवे के ऊपर अपने को अभी भी 25 किलोमीटर सीधा जाने बता रहा है, और बॉस गर्मी क्या ज़ोरदार है। मैं सोच के आया था शायद ठंडी रहेगी, स्वेटर्स वगैरह भी लाए थे हम लोग मगर स्वेटर छोड़ो, ऐसा लग रहा है जाड़े कपड़े भी पहनने नीचे, इतना गर्मी लग रहा है। टेम्परेचर 33 डिग्री है, मगर बॉस ऐसा लग रहा है कि मतलब 40 प्लस रहेगा, एकदम गर्म हो रहा है सच्ची में। गाड़ी में AC है करके थोड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी अब बाहर निकलो तो सीधी गर्मी चुभती है। तो जस्ट हम लोग जसदान विलेज क्रॉस कर रहे हैं। अभी हम लोग का ये दूसरी बार हुआ सुबह से, एक्चुअली पुलिस चेकिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चालू है यहाँ पे। उसका रीज़न भी है कि इलेक्शन आ रहा है, रूटीन चेकिंग ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जस्ट वो लोग चेक कर रहे हैं कि आपके बैग के अंदर कुछ इलीगल चीज़ें तो नहीं है, जैसे कोई पैसा नहीं है या कोई लीकर की बॉटल वगैरह नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग गुजरात में तो लीकर वैसे भी अलाउड नहीं है, तो उस वजह से वो लोग सिर्फ इतना चेकिंग कर रहे हैं, मगर चेकिंग स्ट्रिक है बॉस, सब गाड़ी रुका रहे, जितनी भी गाड़ी जा रही है सबको रुकाते हैं, चेक करते हैं। चलो पुलिस इज डूइंग इज ड्यूटी, वी विल कंटिन्यू आवर ड्यूटी। तो अभी आर्ट कोर्ट पहुँचे हम लोग। आज हम लोग को चाय अच्छी मिली नसीब से, मैंने पहले भैया को बोला, बोला भाई चाय टेस्ट करा, कल का चाय पी के ऐसा दिमाग का दही हो गया था। और मम्मी का बोलना है हर चीज़ क्यों बोल रहे हो, मगर अब जब भी यूट्यूब का चैनल चला रहे हैं तो आपके लिए सब चीज़ बोलना भी ज़रूरी है ना, पता तो चलना चाहिए क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, कहाँ घूम रहा है, क्या कर रहा है। बाकी सब बढ़िया है, आज की चाय एकदम रबड़ी थी, मतलब ऐसा लग रहा था बासुंदी खा रहा, बासुंदी अभी जैसे गुजराती को समझ में आएगा बासुंदी, बाकी नॉर्मली स्वीट रहता है एक, वैसा टेस्ट में था, तो बहुत बढ़िया था आज का चाय। अभी मेरे आगे गाड़ी देख रहे आप, मैंने गुजरात में बहुत जगह देखा है, गाड़ी के पीछे लिखा है अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी लीगल ये कितना अलाउड है या मुझे नहीं पता है, क्योंकि जब तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं आता आपको गाड़ी कहीं अलाउ नहीं होता लेके जाना, लोकली ठीक है, मगर यहाँ के लोग बस ये ले लेके कहाँ के कहाँ घूमने चले जाते हैं। तो दोस्तों सोमनाथ हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी बज रहे 8। अभी सोमनाथ का आज एक्चुअली अपना कुछ प्लान था नहीं, हम लोग आज सड़ंगपुरी रुकने वाले थे जैसा आपको पता है, मगर अभी धर्मशाला वाले वहाँ पे माने नहीं, तो हम लोग को वहाँ से चेकआउट करके निकलना पड़ा। और वहाँ पे जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में भी बोला, मुझे वहाँ का जो भी लोकल गेस्ट हाउस था वो मुझे मज़ा नहीं आया, तो हम लोग सोमनाथ आ गए। अभी यहाँ पे भी आके मैंने लास्ट मोमेंट बुकिंग किया था, ऑनलाइन किया था, ब्लिस करके होटल था, अभी मैंने वहाँ पे गया, मैंने रूम वगैरह देखा मगर मुझे मज़ा नहीं आया। थैंक गॉड मैंने पेमेंट ऑनलाइन नहीं किया था, पेड होटल था तो मुझे वो एक बेनिफिट मिल गया।
से कम प्राइस में फर्न रेसिडेंसी में रूम मिल गया है। तो कभी कभी है ना, ऑनलाइन चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। हम लोग ने ऑफलाइन उनको कस्टमर केयर पर फ़ोन किया था, उन्होंने मुझे ये रूम उसी ब्लिस के सेम प्राइस में विद ब्रेकफास्ट 200 रुपये और कम में करके दे दिया है। फिलहाल रूम टूर दे देते, फिर फ्रेश होते और फिर कुछ खाना खाने जाते। बहुत भूख लगी अभी, आइए रूम दिखाता हूँ आपको। अपना आज का रूम 312, आइए रूम टूर देते हैं आपको। बढ़िया, ये है इनका लगेज एरिया, साथ में है ये कपबोर्ड, कपबोर्ड के अंदर हैंगर्स है, साथ में एक सेफ दिया है अगर आपको कुछ रखना रहेगा तो। आगे इनका टी कॉफी मेकर आ गया, ये है इनका मिनी फ्रिज, साथ में अपना ये टीवी है, वर्किंग डेस्क, इधर अपना थोड़ा बहुत एडिट का काम हो जाएगा आज। ये रहा अपना बेड, मम्मी पापा हो गए सेट पहले ही। आइए आपको एक बार वॉशरूम भी दिखा देते हैं, ये फुल फ्लेज मिरर रेडी होने के लिए। वॉशरूम में WC एरिया, ये गया आपका शावर एरिया, और ये वॉश बेसिन विथ ऑल द टॉयलेटरीज। तो जो कॉस्टिंग मुझे वो पुरानी होटल मिल रही थी उसके कंपैरिजन में ये बहुत अच्छी है। अभी मुझे वो 5 बेड का रूम दे रहा था, मुझे यही सेम कॉस्ट के अंदर, मुझे 3 जन में 5 बेड करना क्या है। 5 बेडरूम मेरे लिए कुछ काम की चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे इतना पैसा डाल के प्लस मुझे इतना रूम में मज़ा नहीं आया, तो बेटर है ये प्रॉपर्टी। फंड्स में मैं पहले भी रुका हुआ हूँ, ब्रांड है तो उसके हिसाब से बहुत सही है, और मुझे विद ब्रेकफास्ट मिला है, तो इनका ब्रेकफास्ट भी अच्छा खासा इनका स्प्रेड रहता है। तो अभी फ्रेश होते हैं, फिर नीचे जाते हैं या फिर रूम में मंगाते, खाना खाते, फिर आपसे बात करते हैं। 2 दिन से रोटी सब्जी खा खा के पक गए, तो अभी आज चाइनीज़ मंगाया है। पहले हम लोग ने मंगाया स्वीट कॉर्न सूप, इसके बाद आएगा अपना फ्राइड राइस, नूडल्स और मंचूरियन। तो आज बस अपनी फेवरेट आइटम है सब। आ गया अपना फेवरेट आइटम, नूडल्स, मंचूरियन और किधर गया, ये रहा फ्राइड राइस। चलिए फटाफट खाते, बहुत भूख लगी है, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, डिनर अपना हो चुका, अभी रूम में आ गए हैं, अभी थक गया हूँ बहुत। 2 दिन से कंटिन्यूस मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे मदर फादर भी थक गए, तो थोड़ा आज रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। कल हम लोग सोमनाथ में ही है, यहाँ पे अपने को कोई गाय नहीं है। परसों हम लोग यहाँ से निकलने वाले, अब ये वीडियो एक पार्ट में आएगा, 2 पार्ट में आएगा, मुझे नहीं पता है। फिलहाल थोड़ा रेस्ट करते, मिलेंगे आपको सुबह सीधा मॉर्निंग में, तब तक गुड नाइट और बाय बाय।